नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के पार्ट थ्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस पार्ट के अंदर जो है, इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न लेंगे वो सारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं और कई परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। तो इन्हें हम बिना किसी फार्मूले के करने का और आसान तरीके से सेकेंडों में कैसे उनका जवाब देना है ये करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है इसे सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि एक वितरक किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है, तो यदि वह उसे 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसको जो है 10% लाभ जो है वो अधिक मिलता। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ देखिए, वस्तु को पहले जो है 6% हानि पे बेचा गया है, तो 6% हानि पे बेचा गया और बाद में वो कितने पे बेचना चाहता है, 10% प्रॉफिट पे यानी के लाभ पे। तो हानि जो है माइनस में और प्रॉफिट जो है प्लस में माना जाता है। तो इन दोनों में अंतर कितने का हुआ, तो अंतर हुआ 16% का। तो माइनस के 6 और 10 में अंतर कितना है, 16 का। तो 16% जो है वो किसको बता रहे हैं, आपके 64 रुपये को। जो 16 है वो किसको बता रहे हैं, 64 रुपये को। तो 1% किसको बताएगा, 1% बताएगा आपका 64 को 16 से भाग करेंगे तो 4 रुपये के बराबर आएगा। तो 100% जिसे हम जो भी हम क्रय मूल्य मानते हैं उसको 100% मान के सवालों को करते हैं। तो 100% यानी कि मानने का मतलब, आने का मतलब है आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो वो हो जाएगा 4 को 100 से गुणा करने पर कितना आया, 400। तो इस फार्मूले में हमने कहीं भी इस प्रश्न में कहीं भी कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है और सिंपल तरीके से इसको बिना किसी जो है देरी के इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, वह 20% लाभ कमाने हेतु किस मूल्य पर बेचे। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं जिसमें जो है दो विक्रय मूल्य और दो लाभ या हानि दी होती हैं, तो उनके लिए एक तरीका ये जो है बनाया है वो ये है कि आप जो भी विक्रय मूल्य यानी के सेलिंग प्राइस है उसको आप ऊपर लिख दीजिए। जैसे पहले वाला सेलिंग प्राइस यहाँ पर और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो पहले वाला लाभ या हानि है वो 100 में जोड़कर, या अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे और अगर हानि है तो आप 100 में से घटाएंगे। और इसी प्रकार से इधर जो दूसरे, अगर लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटाएंगे। ऐसे आप समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं, अपने आप ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है उसका, पहले जो उसने वस्तु को कितने में बेचना चाह रहा था, 230 रुपये में। तो पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो हुआ 230 और दूसरे वाला विक्रय मूल्य जो है वो हमें निकालना है। तो आपको इस पे पहले वाले विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ 15%, यानी कि 100 में 15 को आपने जोड़ दिया और दूसरे वाले में कितना हुआ, 20% लाभ, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 आ गया। अब जो है आप देखेंगे कि ये देखिए 115 दूनी 230, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तिरछा गुणा करने पे विक्रय मूल्य जो दूसरे वाला है वो कितना आ गया, 2 गुणा में 120 यानी के 240 रुपये, यानी के आपका तीसरे वाला उत्तर ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न से इसको समझते हैं, पहले वाले में लाभ दे रखे थे अब हानि है। तो यहाँ देखिए, पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1900 रुपये, कि एक साड़ी को 1900 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1900 रुपये।
कितना हानि हुई, 5%। तो 5% को 100 में से माइनस कर देंगे। फिर वो कहता है किस मूल्य पर बेचे, यानी कि मूल्य अज्ञात है, विक्रय मूल्य अज्ञात है, वो निकालना है हमारे को। लाभ कितना चाहता है, 15%। तो लाभ को यहाँ पे 100 में जोड़ देंगे। अब देखिए आपका प्रश्न क्या बन गया, ये हो गया 1900 और 100 में से 5 घटाए तो कितने आ गए, 95, यानी कि 95। और ये आपका विक्रय मूल्य और ये हो गया 115। तो यहाँ देखिए ये जो है 5 से कट जाएगा तो 19 आ गया, और इसको 5 से काटेंगे, नीचे वाले से अगर बराबर का हो, निशान हो, तो नीचे वाले से और ऊपर वाले से कट जाता है, क्योंकि अगर हम इसको तिरछा गुणा करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या ऐसे करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर वाला अगर नीचे वाले से कट सकता है, इसी प्रकार नीचे वाले से और ऊपर वाले से कट सकता है। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना आ गया, 23। अब देखिए ये 19 से ये कट गया कितनी बार, 100। अब तिरछा गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा आपके लिए, विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया, 23, और ये 100 के 20 पीछे चिपका दिए आपने, तो कितने हो गए, 2300, यानी कि विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। तो देखिए कैसे सेकंडों में उत्तर आते हैं। अब है कि एक फेरी वाला 170 रुपए किलोग्राम के हिसाब से जो है बेचता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, पहले वाला विक्रय मूल्य, तो 15% का घाटा उठाता है, तो ये हो गया लॉस वन, या प्रॉफिट वन होता तो प्रॉफिट वन लिख देते। तो वो 230 रुपए में बेचे, तो ये क्या हो गया, SP2, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो ये हो गया आपका P2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसा पहले बताया है कि विक्रय मूल्य कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर, पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है, 170, दूसरे वाला कितना है, 230, अंश में इनको लिखा, और हर में क्या लिखना है, पहले क्योंकि 170 में बेचने में 15% जानी, तो 100 में से 15 गए 85, यानी कि 85, और 230 रुपए में बेचे हैं तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत अज्ञात है क्योंकि हम उसको 100 में जोड़ के निकालते थे, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से लिख दिया। अब देखिए 85 दूनी 170, अब ये ऊपर वाले से कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये हो गया 115। तो 100 जमा में पी, ये किसके बराबर है, 115 के, तो पी कितना हो गया, 115 माइनस में 100, यानी के 15। तो हमारा पहले वाला उत्तर ठीक है कि 15% का जो है लाभ होगा अगर वो 230 रुपए में इसको बेचता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक थोक व्यापारी एक डिब्बा चॉकलेट 960 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी के उसका विक्रय मूल्य एक ये हो गया, और ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट, ठीक है। अब वह उसे 1120 रुपए में जो है बेच देता है, बेचने का निश्चय करता है, तो ये होगा दूसरे वाला विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि P2 निकालना है। तो आपको विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं, दोनों विक्रय मूल्यों को आप ऊपर रखेंगे, पहले वाले को पहली जगह पे और दूसरे वाले को दूसरी जगह पे, क्योंकि पहले वाले सौदे में 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ दिया, और दूसरे वाले का लाभ प्रतिशत पता नहीं है, तो 100 में पी जोड़ दिया। अब हमें ये पी निकालना है, तो अब क्या करना है, हमने देखिए ये 0 से 0 कट गया, 12 कम 12 12 8 96। अब 8 से क्योंकि ये विभाज्य है, तो 8 से सीधा सीधा कट जाएगा। अगर आपको विभाज्यता के नियमों को समझना है, तो मैंने 1 से 50 तक के विभाज्यता के नियमों का मेरा वीडियो है, आप उसे देखिए, आपको सारी संख्याओं को किस तरह से विभाज होंगी वो पता लग जाएगा, इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। तो देखिए ये होगा 8 एकम 8, बचे 3, 8 चौक 32, और 0 140 हो गए। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये देखिए ये हो गया 100 जमा में पी, और ये हो गया 140।
तो प्रॉफिट कितना हो गया, 140 माइनस 100 यानी के 40%। तो 40% का लाभ हुआ, यानी कि विकल्प दो ठीक उत्तर है। इसके बाद एक दुकानदार कोको के बीज 1230 रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 5% की हानि होती है। इसके बाद यदि वो 1353 रुपए में बेचने का निश्चय करे तो उसको जो है परिणाम क्या होगा, मतलब यहाँ प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ये निकालना है। तो हम जो है इस प्रश्न में देखिए दो विक्रय मूल्य आपको दे रखे हैं। पहले वाला विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1230 यानी कि 1230, और दूसरा क्या है, 1353। इनको अंश में लिख दिया यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्योंकि पहले में हानि हुई है तो 100 में से 5% हानि हुई है, तो 100 में से 5 जो है घटाएंगे तो कितना आ गया, 95। और दूसरे वाले में क्योंकि लाभ या हानि का पता नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि लाभ है तो या हानि है तो हम इसको प्लस में लिख देते हैं। अगर प्लस में उत्तर आया तो क्या होगा, लाभ होगा, और अगर माइनस में आया तो क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए अब सवाल में क्या है, इसको हम 5 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 19। अब ये भी 5 से कट जाएगा क्योंकि इसके आखिर में 0 है, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 23, 5 चौका 20, अरे ठीक है, 246 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये किससे कट सकता है, तो इनके अंकों का जोड़ क्योंकि 12 है तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, और यहाँ देखिए 1 और 3 4, 4 और 8 12, इसके भी अंकों का जोड़ 12 है तो इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से काटते हैं तो ये जो है 82 आता है, और इसको 3 से काटेंगे तो जो है 3 चौक 12, बचा कितना, 1 15, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब देखिए ये जो है 41 से विभाज्य है, तो 41 से काटेंगे तो 2, और ये भी 41 से विभाज्य है तो 41 एकम 41, और जो है बचा है कितने, 41, तो ये 11। तो देखिए अगर आपको विभाज्यता के नियम पता है तो ये सवालों में आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहिए। मैं फिर कहूँगा विभाज्यता के ऊपर मेरा जो वीडियो है वो एक बार आप देखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 200 जमा में 2x, 2 से 100 को गुणा करेंगे 200, 2 को 1 से करेंगे 200, 2x, और 19 को 11 से करेंगे तो 19 एकम 19, 1 हासिल, और 19 एकम 19 और 1 20 यानी के 209। तो 2x कितना हो गया, 209 में से 200 गए, बचे कितने, 9। तो 2x = 9 यानी कि x = 9/2 यानी कि 4.5, क्योंकि ये प्लस में आया है इसका मतलब लाभ है, यानी कि पहले वाला उत्तर 4.5% गेन हमारा, ठीक है, गेन का मतलब लाभ। इसके बाद है एक टेप रिकॉर्डर 1040 रुपये में बेचने पर, 1040 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो कितनी हानि होगी, तो लॉस निकालना है, यहाँ पे लॉस कितना होगा। तो यहाँ देखिए आपको पहला वाला विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 1040, और दूसरे वाला कितना दे रखा है, 950। तो पहले में 4% का लाभ हुआ तो 100 में 4 जोड़ेंगे 104, और दूसरे में क्योंकि हानि हुई है तो 100 में से हानि को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए ये इससे कट गया, 10 बार गया, 0 से 0 कट गया, तो 100 माइनस L किसके बराबर हो गया, 95 के। तो आपके पास जो है लाभ लॉस जो है यानी कि हानि कितनी आई, 100 माइनस 95 यानी के 5, तो 5% का जो है आपको नुकसान हुआ। अगले प्रश्न में देखिए किसी आदमी ने 4 दर्जन अंडे
₹24 प्रति दर्जन के दर से और दो दर्जन अंडे जो हैं ₹32 दर्जन की दर से खरीदे तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पे बेचेगा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि पहले उसने 4 दर्जन खरीदे हैं और फिर उसने 2 दर्जन खरीदे हैं, यानी कि कुल 6 दर्जन खरीदे हैं। तो 4 जमा 2 = 6 दर्जन या 6 डजन। तो अब आप देखिए, क्योंकि उसने उसका जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो 4 दर्जन जो हैं उसने 24 के हिसाब से खरीदे हैं और जो है 2 दर्जन जो हैं वो ₹32 के हिसाब से खरीदे हैं। तो ये कितना हो गया, 96 और ये 64, यानी कि ₹160 के क्रय मूल्य हुआ। अच्छा, विक्रय मूल्य जो है, अब उसने क्या कहा है कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 160 का 20% कितना हुआ, 20% जो है इसका कितना होगा, ₹32। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 192। तो ₹192 कितने का है, 6 दर्जन के, 6 डजन का विक्रय मूल्य है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 1 दर्जन का, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य या सेल प्राइस क्या होगा, 196 को 6 से भाग कर दीजिए तो 192 था तो 6 × 12 तो 32, तो ₹32 प्रति दर्जन के भाव से उसको बेचना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है कि 90 पेनों को ₹80 प्रति में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 90 पेनों को किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 20% हो। तो यहाँ देखिए, और पिछले सवालों के मुकाबले ये सवाल अलग क्यों है कि यहाँ पे आपको पेनों की संख्या भी दे रखी है, मतलब वस्तुओं की संख्या दे रखी है। तो इसके लिए ये नहीं है कोई अलग से कोई तरीका अपनाया जाएगा, तरीका वही रहेगा। आपको बस ये करना है कि देखिए, 90 पेन ₹80 के हैं तो एक पेन कितने का हुआ, 80/90 का, और दूसरे वाले में कितना हुआ, क्योंकि 90 पेनों का मूल्य हमें निकालना है, 90 पेन किस मूल्य पे आते हैं, तो उसका जो भी सेल प्राइस होगा वो भी यहाँ 90 करके लिख दिया जाएगा। और बाकी जो है पहले की तरह ही करेंगे कि 20% की हानि हुई है तो 100 में से 20 गए 80, और दूसरे पे 100, क्योंकि 20 का लाभ परसेंट का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़े 120। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो है 90 नीचे आ जाएगा और ये जो है आपका पहले वाला जो है 100 में से 20 घटाने पे जो प्राप्त हुआ है परिणाम वो 80, ऊपर वाला 80 जो है मूल्य है उनका विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये जो है दूसरे वाले में क्या है, SP जो है ये क्या है, 90/90 ये वाला 90 नीचे आ जाएगा और गुणा में 120। मैं वैसे इस प्रश्न में 90 की लिखना भी लिखे अगर, क्योंकि दोनों बार पेनों की संख्या बराबर है, अगर यहाँ पर पेनों की संख्या बराबर है तो इसका कोई महत्व नहीं है, हम इसे लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन अगर किसी प्रश्न में ये संख्या, ये दोनों संख्याएं अलग होती हैं तो फिर हमें संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए नया कोई प्रश्न नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ मान लो वो कह दे कि 90 पेनों को ₹80 में बेचने 20% की हानि हुई, तो 100 पेनों को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, या 50 पेनों को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो फिर आपको इस तरीके से संख्याओं को लिखना पड़ेगा। यानी कि आप अब समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 90 क्यों लिखा, वैसे यहाँ पे 90 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों बार बराबर है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो यहाँ देखिए 80 से 80 कट गया, तो यहाँ अब आपका तिरछा गुणा करने पे विक्रय मूल्य कितना आ गया, ₹120। तो इसका मतलब हमारा विकल्प 4 जो है वो सही जवाब है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो है जो भी जो है आपका द मैथ्स गुरु चैनल है उसको जो है आप पसंद करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 3 में मैं आपका स्वागत करता हूँ।